कल लखनऊ की गोमती नगर में मोहम्मदाबाद गोना मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद आजमगढ़ सगड़ी से विधायक वंदना सिंह का परिवार भयभीत। वंदना सिंह के पति सर्वेश सिंह सिपू, जो कि सगड़ी से पूर्व विधायक थे, उनकी हत्या 19 जुलाई 2013 में जीएनपुर बाजार में उनके आवास के पास कर दी गई थी। इस हत्या में पूर्व विधायक सिपू सिंह के साथ भरत राय की भी मौत हुई। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई और इस मामले में 3 अन्य लोगों की भी मौत हुई। मामला पूर्व विधायक की हत्या से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस मामले को कुछ दिनों बाद जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में पूर्वांचल की माफिया और इस जिले के रहने वाले कुंटू सिंह का नाम सामने आया था, जो इस समय जेल में बंद है और सिपू सिंह हत्याकांड में कुंटू सिंह सहित उसके कई साथियों पर हत्या का मुकदमा चल रहा है और उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मुकदमे का निर्णय समयबद्ध तरीके से किया जाना है। इस हत्याकांड में अजीत सिंह भी पूर्व विधायक सिपू सिंह की ओर से गवाह थे। सिपू सिंह के भाई संतोष सिंह टिपू की गवाही पूरी हो गई। अब अजीत सिंह को न्यायालय में इस हत्याकांड की गवाही करनी थी। संतोष सिंह ने बताया कि अजीत सिंह को कुछ दिन पहले इस बात की धमकी मिल रही थी कि वह मेरे भाई पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिपू हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह के विरुद्ध गवाही ना करें, लेकिन वह इस बात से भयभीत नहीं हुए और गवाही करने वाले थे। अजीत सिंह की हत्या इसी का परिणाम है। आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर परिवार और स्वयं की सुरक्षा की मांग की। संतोष सिंह टिपू ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने उनको सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है, लेकिन वो जेल के अधिकारियों से खास नाराजगी है कि उनका कहना है कि कुंटू सिंह आजमगढ़ की जेल में बंद है और वहां से खुलेआम मोबाइल के जरिए लोगों को धमकियां दे रहा है और उसने कल लखनऊ में हुई हत्या को अंजाम दिलवाया, जिससे कि वो मेरे भाई पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या के मामले में अजीत सिंह की गवाही ना हो सके। वह इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने संतोष सिंह को सुरक्षा का आश्वासन दिया। वहीं आरोपी कुंटू सिंह को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उस मुकदमे में सुनवाई भी की जा रही है। मर्डर को लेकर आजमगढ़ की पुलिस भी पूरे मामले में पैनी नजर रख रही है। बताया कि हाल ही में संपत्ति जब्ती और 3 गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई। यहाँ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अजीत सिंह और कुंटू सिंह पहले एक ही साथ काम किया करते थे और इलाके में इनका बहुत वर्चस्व था। किस बात को लेकर दोनों में अदावत हो गई और अजीत सिंह ने अपना एक अलग गिरोह खड़ा कर लिया। हाँ, ये कप्तान साहब से मिले, क्या वजह है, क्या कारण? मैं कप्तान साहब से मिलने आया था कि हमारे कल एक लखनऊ में जो है अजीत सिंह की हत्या हुई, जो हमारे भाई की हत्या में कुंटू सिंह के खिलाफ 120B के गवाह थे। मेरी गवाही जो है चल रही थी और अभी ख़त्म होने वाली थी, इसके बाद जो है हफ्ता बाद उनकी गवाही शुरू होने वाली थी। कुंटू सिंह काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि वो उनके खिलाफ वो गवाही न करें, तो इस बात पर अजीत सिंह मान नहीं थे। अजीत सिंह कहते नहीं, मैं जो है गवाही करूंगा। इसी को लेके कुंटू सिंह ने अजीत सिंह की जो है कल शाम 8:30 बजे के आसपास अपने साथियों द्वारा हत्या करा दी। अभी आप कप्तान साहब से मिले तो क्या? मैं अपने कप्तान साहब से आया था, मेरा पूरा परिवार भयभीत है। उस मेरे भाई की हत्या में मैं खुद वादी हूँ, मेरी गवाही भी चल रही है। हमारे भाई की पत्नी जो विधायक है वो भी जो है मौके की गवाह है, वो बिल्कुल डरी हुई है। सभी मैं कप्तान साहब के यहाँ से अपनी फरियाद मैं लेके आया था कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि परिवार में मैं अकेला बचा हूँ और जितने भी जो है मेरे वो थे सबको कुंटू सिंह ने धीमे धीमे मरवा दिया, तो मैं बचाऊँ। इसलिए मैं कप्तान साहब के आया था कि मेरे परिवार और मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करें। वो प्रदेश स्तरीय जो है अपराधी है और प्रदेश के टॉप 10 में से वो जो अपराधी है और जेल से जो है पूरा संचालन करता है। वो जब भी जेल में आता है तो हत्याएं कराता है। जेल में उसकी मोबाइल नहीं बंद हो रही हैं, जेलर मिले हुए हैं उससे और कितनी बार कहा गया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक विधायक क्या मतलब, समाज पूरा समाज भयभीत है। हाँ, कप्तान साहब ने कहा उन्होंने पूरा सुरक्षा का पूरा जो उन्होंने जिम्मा लिया है कि नहीं मैं जो है करूँगा। जो है देखिए, ये आज मुझे जो माननीय विधायक जी थे सिपू सिंह, जो जिनका मर्डर हुआ था, उनके भाई आज सुबह मिसर कैंप ऑफिस पे मिले थे। और क्योंकि ये जो मृतक है, जो जिसकी कल हत्या हुई है अजीत, ये उनके केस का मुख्य गवाह था, उस सिलसिले में इसे मिले थे और उनकी सुरक्षा के विषय में और फर्दर के कैसे गवाही आगे कराई जानी उसके विषय में मेरी उनसे विस्तृत वार्ता हुई है। और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि जितने भी लोग हैं
परिवार के सबकी पूर्ण सुरक्षा पहले से भी की जा रही है, उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरी परिवार को। और किस सुरक्षा की आवश्यकता होगी और किसी और कनेक्टेड आदमी को सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी और किसी तरह की सुरक्षा की कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी। तो सिकू हत्याकांड में जो आरोपी थे प्रदेश के टॉप 10 माफिया में हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। उनके मुकदमे जो वो जो उनका जो मर्डर हुआ था उसके मुकदमे की सुनवाई भी चल रही है और एक गवाह की गवाही चले और लगातार उसमें डेटे पड़ रही हैं। तो जो न्यायालय की कार्रवाई है वो अलग से चल रही है और जो उसके अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई चल रही है। जैसे कि आपने देखा कि मेरे सामने कुंटू सिंह के सामने जो उसके द्वारा कृत्य किए गए थे जो केसेस थे उनमें 3 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई उनके विरुद्ध मेरे कार्यकाल में की गई है और बाकी उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वो सारी प्रचलित है और बहुत सारे उनका चौधरी की कार्रवाई उनके खिलाफ की भी जा चुकी है। बाकी भी जो अभियुक्त हैं तो पूर्व जो बिलासपुर में संजय उसके वो जेल में हैं, इसके अलावा जो और लोग हैं उनके साथी वो जेल में हैं और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।